दोस्तों एसएससी जीडी की वैकेंसी लाइव हो चुकी है। अगर आप भी इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपको पता होगा कि भैया इसमें 8 तरीके की पोस्टें हैं, जिसमें फीमेल वालों के लिए थोड़ी कम वैकेंसी है, मेल वालों के लिए ज्यादा वैकेंसी है। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आपको अपनी ये पोस्ट कोड वगैरह फिल करने हैं, ताकि आपको फॉर्म को भरने में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना हो और आपकी पोस्ट सही तरीके से फिल हो जाए। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा, और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले जैसे ही आपको नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी जगह पर आ गया हूं जहां पर आपको अपनी पोस्ट कोड वगैरह फिल करने हैं। पोस्ट कोड के रिलेटेड जानकारी यहाँ पर भी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है बीएसएफ के लिए आप पोस्ट कोड ए भरेंगे, सीआईएसएफ के लिए बी भरेंगे, सीआरपीएफ के लिए सी भरेंगे, एसएसबी के लिए डी भरेंगे, आईटीबीपी के लिए ई भरेंगे, एआर के लिए एफ भरेंगे, एनसीबी के लिए जी भरेंगे और एसएसएफ के लिए एच भरेंगे। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी नहीं दे रखी है, तो इसके लिए दोस्तों आप आ जाएंगे मेरी वेबसाइट पर जो कि है onlineboost.in, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। यहाँ पर आपको गेट अ गवर्नमेंट जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अगर आप इसकी रिलेटेड जानकारी देख रहे हैं। अगर आपको घर बैठे बैठे रुपए कमाना है तो यहाँ पर हम लोग नई चीजें लेकर आने वाले हैं, इस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। खैर मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल वाला जो ऑप्शन दे रखा है, बटन दे रखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एसएससी रिलेटेड कई कुछ नई जानकारी मिल जाएगी फॉर्म से रिलेटेड, जैसे कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पर करेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है, उससे रिलेटेड भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और नीचे अगर आप एसएससी के फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो जो टॉप बुक चल रही होगी उसको खरीदने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है, आप क्लिक करके अमेजॉन पर पहुंच जाएंगे और डायरेक्ट इन चार बुक्स को बाई कर सकते हैं जो कि एसएससी से रिलेटेड है, और बुक का प्राइस वही 400-500 रुपए के आसपास रहेगा। खैर हम बात कर रहे थे वैकेंसी को या फिर पोस्ट कोड को कैसे क्या फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भैया आप मेल वाले फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर फीमेल वाले फॉर्म को फिल कर रहे हैं। बेसिकली वैसे तो आपको पता ही होगा ये, तो सबसे पहले तो हम मेल वाला फिल करेंगे। तो यहाँ पर टोटल इतनी वैकेंसी दे रखी है। इसके बाद आपको ये देखना है कि भैया आप कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हैं जिसमें आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। जैसे आप जनरल से फिल कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कौन सी कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। मान लीजिए जनरल से फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, तो जनरल में बीएसएफ में ए कोड जो दे रखा है उसमें टोटल इतनी वैकेंसी है, सीआईएसएफ में इतनी वैकेंसी है, सीआरपीएफ में इतनी वैकेंसी है, एसएसबी में इतनी वैकेंसी है, आईटीबीपी में इतनी है, असम राइफल में इतनी है, एसएसएफ में इतनी है और एनसीबी में इतनी है। तो आपको देख लेना भैया आपको वैकेंसी के हिसाब से लगाना है, या फिर आपको ये देखना है कि भैया कौन सी में थोड़ी मेहनत कम रहती है और अच्छी नौकरी है, तो वो आपको समझ लेना है। अगर वैकेंसी के हिसाब से लगाना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बीएसएफ में वैकेंसी है, तो आप पहले नंबर पर बीएसएफ लगा सकते हैं, उसके बाद सीआरपीएफ में वैकेंसी है तो आप दूसरे नंबर पर सी लगा सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ और इसको फॉर्म को फिल करने वाले को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब बीएसएफ को मुझे पहले नंबर पर लगाना है, जनरल के हिसाब से अगर मैं फॉर्म को फिल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ए कर दूंगा। इसके बाद मुझे लगाना है सीआरपीएफ, इसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, इसमें मैं सी कर दूंगा। उसके बाद मुझे लगाना है सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें, सीआईएसएफ में है, तो मैं यहाँ पर डी लगा दूंगा। इसके बाद मुझे देखना है उससे कम वैकेंसी किसमें है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीबीपी ई में है। इसके बाद किसमें है, एआर में, मतलब कि एफ में है। इसके बाद एसएसबी में है। इसके बाद एसएसएफ यानी कि एच में है, और इसके बाद आई में है। ये गलत भरा है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूंगा। आई की जगह यहाँ पर जी है, तो आपको जी भरना है यहाँ पर। खैर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम ये ठीक हो चुका होगा, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद सेम टू सेम पोस्ट कोड आपको नीचे डाल देना है। अब अगर आप दूसरी कैटेगरी में, जैसे कि मान लीजिए एससी कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो इसमें 2018 वैकेंसी है, इसमें 900 कुछ है, इसमें 1600 कुछ है, तो भी आप इसी तरीके से भर सकते हैं एससी वालों के लिए भी, कि पहले नंबर पर ये डाल दीजिए, दूसरे नंबर पर ये डाल दीजिए, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है, पांचवें नंबर पर ये है, और ये वाले बचती हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में आप आती हैं। खैर फीमेल के लिए एसएसएफ में और एसएसबी में तो वैकेंसी नहीं बचती हैं। बीएसएफ आप पहले नंबर पर डाल दीजिए, दूसरे नंबर पर सीआईएसएफ डाल दीजिए, उसके बाद आईटीबीपी, फिर सीआरपीएफ जो ज़्यादा सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद एएफ और एनसीबी। कोड इसमें भी गलत लिखा होगा, वो ठीक कर दूंगा मैं। तो इस तरीके से आप पोस्ट कोड वगैरह फिल कर सकते हैं। दोनों में आपको सेम डिटेल फिल करके सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी पोस्ट कोड वगैरह सेलेक्ट करने थे अगर आप वैकेंसी के हिसाब से करना चाहते हैं। और अगर आप इसके हिसाब से करना चाहते हैं कि भैया किसमें क्या आपको अच्छी नौकरी करने के लिए मिलेगी, मेहनत ज्यादा नहीं होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं पहले नंबर पर आपको क्या रखना है, दूसरे नंबर पर आपको क्या रखना है। और अगर आप इसके फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आ जाइए onlineboost.in पर। वहाँ पर नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए और फोटो साइन अपलोड करने के लिए। खैर आपको साइड में भी वीडियो नजर आ रही होंगे रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग की।